श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना वापस से शुरू हो चुका है और इस सावन के महीने में 18 अगस्त को सिंधारा दूज है। दोस्तों, ये सिंधारा दूज का जो दिन है दोस्तों, ये भगवान शिव और माता पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाओं को जो है, मतलब सुहागन माताओं बहनों को जो है, मतलब उनके मायके से या उनके ससुराल से जो है कुछ सुहागन की चीज़ें आती हैं ना, तो इसीलिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है हमारी माताओं बहनों के लिए। और ये दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती से जी से जुड़ा हुआ है और सावन के महीने में ये सिंधारा दूज आई है आप लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ा मौका और एक बहुत बड़ा महासंयोग आपके सामने रखा है और आप लोगों को इसका फ़ायदा भी ज़रूर उठाना चाहिए। तो 18 अगस्त इस सावन की सिंधारा दूज के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव जी के साथ साथ में इस दिन आपको माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप के जीवन में जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो भगवान शिव और माता पार्वती जी ज़रूर पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको 18 अगस्त इस सावन की सिंधारा दूज के दिन करना है। और दोस्तों, सिंधारा दूज के अगले दिन ही तीज है, हरियाली तीज, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष यहाँ पर महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि है गमले वाला उपाय। पंडित जी ने सावन की शुरुआत में ही बोल दिया था, सावन जब एक दो दिन हुए थे सावन के, तो उसी वक्त बोल दिया था कि सावन के महीने में, इस बार 2 महीने का सावन पड़ेगा, तो इस पूरे सावन के महीने में जब आपका मन कर जाए, जब आप इस उपाय को कर लेना, तो ये सिंधारा दूज का दिन जो है, ये इस उपाय को करने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, इस उपाय में करना क्या है आप लोगों को और कब ये उपाय आप लोग करना है, जब आप अपने घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अगर इस उपाय को आप सिंधारा दूज के दिन करेंगे ना, तो इससे आपको माता पार्वती जी का भी इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपके घर में जो भी गमला हो है ना, बस उसमें तुलसी का पौधा ना लगा हुआ हो, इस बात का ध्यान रखना। आपके घर में जो भी गमला हो, भले ही उसमें गेंदे के फूल का पेड़ लगा हुआ हो, चाहे गुलाब का पौधा लगा हुआ हो, कोई सा भी एक पौधा लगा हुआ हो बस उसमें, है ना, तो उस गमले की जो मिट्टी होगी, उस गमले के अंदर ही आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, या तो उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहीं पर रख दो, या वहीं के वहीं थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर करके एक शिवलिंग का आप लोग आकार दे दो, है ना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है अपने इस गमले के अंदर, इसकी आपको पूजन अर्चना करनी है। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो और भगवान शिव जी की पूजन आराधना करते हो, उन पर सबसे पहले जाकर जल चढ़ाते हो, फिर अबीर गुलाल चंदन जो आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ाते हो, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाते हो, इसी तरीके से आपको क्या करना है कि इस शिवलिंग के ऊपर भी आप लोगों को जो है ये सभी काम करना है। ठीक है, जल चढ़ाना है, बेलपत्र फूल अबीर गुलाल चंदन सब कुछ चढ़ा देना है और पूजन अर्चना कर लेना है। ठीक है, और भगवान से वहीं के वहीं प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना करने के बाद आपकी पूजन अर्चना संपन्न हो जाए, उसके बाद 15 से 20 मिनट आपको रुकना है। 15 से 20 मिनट बाद इस शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल रखिएगा और इस शिवलिंग के ऊपर डाल दीजिएगा, क्योंकि आप उस शिवलिंग को अलग से उठा तो नहीं सकते, वो वहीं के वहीं मिट्टी में, वह शिवलिंग उसी गमले की मिट्टी में समा जाएगा। ठीक है, और जब आप इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर रहे हो, तो उस समय भगवान से अपनी मनोकामना ज़रूर बोल दीजिएगा, वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, साथ ही में आपके घर परिवार पर भी भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद जरूर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, इस उपाय को आपको करना है प्रातःकाल सुबह सुबह इस सिंधारा दूज के दिन, बहुत ही विशेष दिन है, इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करा सकता है और आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, यह जो उपाय है, यह 108 बिंदियों वाला उपाय है, जो कि आपको बेलपत्री पर लगानी होती है। दोस्तों, इस उपाय को आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना के लिए कर सकते हैं और सिंधारा दूज का जब वो दिन रहेगा तो महासंयोग सब है दिन है। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मात्र एक बेलपत्री अपने साथ में रखना है और उसके साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन अपने साथ में भगवान शिव जी के मंदिर लेकर चले जाना है। और कुछ सी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को इस उपाय को करने के लिए, आप अपने मन से एक लोटा जल लेकर जाना चाहें, दो लोटा जल लेकर जाना चाहें तो वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लो, है ना, शिव जी की, उसके बाद में आप शिव जी के पास में आकर बैठो। पास में आकर बैठने के बाद आपको करना क्या है कि यह जो आपने बेलपत्री को लिया है ना, इस बेलपत्री का जो डंडी होगी, इस बेलपत्री की डंडी का जो आखिरी हिस्सा होगा, जो मोटा मोटा सा होगा, उस मोटे वाले हिस्से को आपको तोड़ लेना है, सिर्फ उस मोटे वाले हिस्से को उस डंडी से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इस डंडी को आपको, इस डूंट को आपको, बेलपत्री के डूंट को उस चंदन में भिगो देना है जो आप अपने साथ में लेकर आए, उस चंदन में थोड़ा सा पानी मिला लेना, जिससे
कि ये गीला हो जाए। गीला करने के बाद फिर इस डूट को जो है अपने इस चंदन में भिगो लेना, पूरा में लपेट लेना। उसके बाद में फिर इसी डूट से आपको इस बेलपत्र के ऊपर बिंदियाँ लगानी है। कितनी बेलपत्री, कितनी बिंदियाँ लगानी है, 108 बिंदियाँ लगानी है। और हर बिंदी पर आपको बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक पत्ती पर 108 बिंदियाँ लगानी है, वह जो एक बेलपत्री होगी उसकी तीन पत्ती होंगी, तो तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 आपको जो है इसी डूट से बिंदियाँ लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। जैसे ही आपका ये काम हो जाए, वहीं के वहीं बैठे बैठे ही भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को करते हुए इस बेलपत्री को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करते समय डंडी का मुख आप अपनी तरफ कर दीजिएगा और समर्पित कर दीजिए, और भगवान से फिर आप अपनी मनोकामना बोल दीजिए, या भगवान शिव जी से जो आप प्रार्थना करना चाहें, माता पार्वती जी से जो आप प्रार्थना करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सावन की सिंधारा दूज के दिन करना है, ठीक है। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग चाहें तो आपने देखा होगा धतूरे का फूल होता है, लंबा लंबा सा होता है, और इस फूल का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब आप इस फूल को शिवजी पर चढ़ाते हैं ना, तो आपके ऊपर भगवान शिवजी की बहुत बड़ी कृपा होती है। और दोस्तों, यह उपाय क्या है वो आप सुनिए। आपने देखा होगा धतूरे का जो पेड़ होता है उसमें लंबे लंबे फूल लगे हुए होते हैं, तो मात्र आपको इस सिंधारा दूज के दिन दो फूल लेकर आने, कितने, इस धतूरे के दो फूल लेकर आने। दो फूल आप अपने घर लाइए, घर से फिर मतलब स्नान वगैरह करके शिव जी के मंदिर जाइए, है ना, प्रातःकाल सुबह सुबह इन दो फूलों को आपको दो स्थानों पर चढ़ाना है बस, ठीक है। जल आप अपने साथ में लेकर जाना चाहें तो वो ले जा सकते हैं, पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद फिर अपने ये दो धतूरे के फूल निकालना। इन दो धतूरे के फूलों को आपको दो स्थानों पर चढ़ाना है, और भगवान शिव जी से जो मांगना है आपको वो मांग सकते हो, ठीक है। और यह उपाय अगर आप अपनी नौकरी के लिए भगवान से प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी नौकरी भी लग सकती है, आप इंटरव्यू में पास भी हो सकते हो, और आप जिस प्रकार की नौकरी चाहते हो आपको उस प्रकार की नौकरी भी मिल सकती है इस उपाय को करने के बाद, ठीक है। तो आप लोग वो सुन लीजिए कि इन दो धतूरे के फूल को आपको किस किस स्थान पर चढ़ाना है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं ना, तो सबसे पहला धतूरे का फूल जो होगा ना, ये भगवान शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होगी ना, पहला फूल जो है आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब आप इस फूल को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको शिवलिंग की तरफ करके रखना है, ठीक है। जलाधारी पर तो आप रखोगे, पर इस फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा फूल निकाल लीजिए, दूसरे फूल को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, है ना। जब इस दूसरे वाले फूल को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो इसका जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको अपनी तरफ करके चढ़ाना है, मतलब आप आगे से या साइड से खड़े होकर इस फूल को चढ़ाएंगे, तो वह खिला हुआ भाग आपकी तरफ होना चाहिए, और इस तरीके से ये दूसरा वाला फूल आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको वो प्रार्थना करना है जिस मनोकामना के लिए या जिस काम के लिए आप इन दो धतूरे के फूल वाला उपाय कर रहे हो, आपको वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल देना है। भले वे आपकी नौकरी की क्यों ना हो, आपके घर परिवार में कोई समस्या की क्यों ना हो, आपकी समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी, और आपकी नौकरी परीक्षा या इंटरव्यू जो है वो अच्छे से आपका निकल जाएगा, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा, ये उपाय बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, यह सात लोटे जल वाला उपाय है, और यह उपाय आपको इस सावन के सिंधारा दूज के दिन जब करना है, जब बहुत ही विषम परिस्थिति बन गई हो, आपने सारे उपाय, सारे व्रत सब कुछ करके देख लिया हो, जब भी आपका काम ना बन रहा हो, तो भाई ये वाला उपाय एक बार करके देख लेना। इस सावन की सिंधारा दूज के दिन सात लोटे जल वाला उपाय आप खुद कहोगे कि हाँ, इस उपाय में इतनी ताकत थी कि इसने हमारा काम पूर्ण कर दिया, है ना। भले ही आपका कितने ही बड़े से बड़ा काम क्यों ना, आपकी वह काम ज़रूर पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय में करना क्या है वो आप लोग सुनो। सबसे सरल उपाय तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा आपको इसमें मतलब काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय में मात्र एक बेलपत्री की आपको आवश्यकता होगी, और दूसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों सात लोटा जल। अब आप कहोगे सात लोटा जल कैसे, इतना जल हम लेकर कैसे जाएंगे? तो देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बाल्टी लेकर जानी पड़ेगी, या मंदिर में भी अगर बाल्टी उपस्थित तो वही वहां से भी आप कुछ मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बाल्टी होगी, उस बाल्टी में आप एक साथ जल भर लीजिए, और अपने साथ में एक लोटा अपने साथ में रख लीजिए, ठीक है। फिर पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में, है ना। शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जो अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर आए हैं ना, इस बेलपत्री को आपको कहां पर चढ़ाना है? सबसे पहले इसे आपको भगवान माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, ठीक है। अब ये जो
बेलपत्री आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, ठीक है। इस तरीके से यह बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच समर्पित कर देनी है ना। कुछ सेकंड समर्पित रहने दो, उसके बाद इसी बेलपत्र को, एक ही बेलपत्र लाए हो ना आप उपाय के लिए, तो इसी बेलपत्र को वापस से उठाओ। उठाने के बाद इसे शिवलिंग पर समर्पित कर दो। पर जब आप लोग इसी बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करोगे ना, तो इसकी जो आगे वाली पत्ती का मुख होगा ना, ये आपकी तरफ होना चाहिए। कहाँ पर? अभी आपने जो अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित किया तो डंडी का मुख जलाधारी की तरफ था, और अभी जब आप लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना, तो इसके आगे वाली बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यह दूसरी बार में बेलपत्र आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दी है। उसके बाद में जो आप मतलब बाल्टी भर के लाए हैं ना जल की, उसी बाल्टी में से आपको एक एक लोटा करके 7 बार जल इस बेलपत्री पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है, धीरे धीरे करके एक धारा से, ठीक है। 7 लोटा जल आपने एक एक करके चढ़ा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। उसके बाद में आपको यही बेलपत्र को वापस से उठाना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान से मतलब अपने जो भी दुख कष्ट है, काम है, वह बोल के इस बेलपत्र को अपने घर पर ले आना है, ठीक है। घर पर लाने के बाद इस बेलपत्र को आप अपने भगवान जी वाले स्थान पर या किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए। कितने दिनों तक रखना है? 11 दिन या 21 दिन, या तो 11 दिन तक रख सकते हो या 21 दिन तक रख सकते हो, ठीक है। तो कितने ही दिन तक, मतलब 11 या 21 दिन आपके हो गए, उसके बाद में यह जो बेलपत्री है ना, इस बेलपत्री को अपने उस स्थान से उठाकर किसी भी नदी में, किसी भी बहते हुए जल में आपको इसको विसर्जित करके आना है। और जब आप यह बेलपत्र विसर्जित करेंगे तो एक बार मन से दिल से अपनी वह मनोकामना जरूर बोल देना, अब आपका काम वो होकर ही रहेगा, कुछ हो जाए, ठीक है। यह बहुत विशेष उपाय है, आप कर जरूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सावन की सिंधारा दूज का अगला और सबसे बड़ा और आखिरी उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर आपको सावन की सिंधारा दूज के दिन यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको मात्र ज़रूरत होती है 5 बेलपत्री की, उसके बाद में 1 लोटा जल की, और एक पात्र में आपको इसमें दूध भी लेना होता है, ठीक है। जैसे 1 लोटा आपने जल लिया ना, ऐसे ही छोटे से किसी पात्र में फुल दूध भर लेना, और ये जो दूध लोगे ना, ये शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, शिवजी पर यही दूध चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 5 बेलपत्री, 1 लोटा जल और 1 पात्र में दूध लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर आप पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो 5 बेलपत्र हैं एक साथ जमा कर, एक एक करके नहीं चढ़ाना है, एक साथ अपने हाथ में ही 5 बेलपत्र को जमा कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। ये पहला काम हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो आप जल और दूध कराए ना, इन जल और दूध के पात्र को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने कर लो, क्योंकि इन दोनों ही पात्रों से आपको एक साथ, एक से जल गिराना है एक धारा से और एक से दूध गिराना है, ठीक है, शिवलिंग के ऊपर। तो आपको करना क्या है, दोनों पात्रों को एक दूसरे के सामने कर लो, अपने दोनों हाथों में पकड़ लो, सीधे हाथ में जो है आप लोग क्या कर लो, जल पकड़ लो, उल्टे हाथ में दूध पकड़ लो, ठीक है। तो दोनों हाथों को एक दूसरे के आमने सामने करके दोनों पात्रों से एक साथ जल निकलना चाहिए, एक साथ दूध निकलना चाहिए, और इसको समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लो, आप अपनी मनोकामना बोल दो, या जो आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है, कष्ट चल रहा है, वो आपके भगवान शिव जी से बोल दो। आपके जीवन का जो भी दुख और कष्ट होगा ना, वो इस उपाय करने के बाद दूर हो जाएगा। सावन की सिंधारा दूज का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, हमने आपको पहले भी बता दिया है, भगवान शिव और माता पार्वती जी का यह विशेष दिन है, और सुहागन महिलाओं के लिए तो और ज्यादा विशेष दिन है। इसलिए माताओं बहनों को यह वाले उपाय ज़रूर करने चाहिए, सभी उपाय नहीं करने, आपको अपने हिसाब से जो उपाय अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, वो उपाय आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।